हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इससे हम लोग इससे पहले हम लोग पार्ट वन और पार्ट सेकंड को भी अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर के हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हम लोग के सामने में, यह है कि अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है, ठीक है, एक स्टेच्यू है, क्या 1.6 मीटर टॉल है, लंबा है, ठीक है। अब ये स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, अब ये स्टेच्यू जो है 1.6 मीटर टॉल जो स्टेच्यू है वो पेडेस्टल के ऊंचाई में ये खड़ा है, ठीक है। ये कहां पे है, ये पेडेस्टल के ऊपर में ये खड़ा है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पेडेस्टल को बना लेते हैं, ठीक है। ये पेडेस्टल कुछ है नहीं, सिंपल सा एक लाइन को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया पेडेस्टल, है ना। चलिए थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं हम लोग इसको, पेडेस्टल को बना लेते हैं, ओके। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर लंबाई का है, ठीक है, और ये कहां पे, टॉप ऑफ द पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल के ऊपर में ये है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे देखने वाली बात ये है कि ये पेडेस्टल कहां पे है, ये तो पेडेस्टल तो जमीन में ही होगा ना, ठीक है, पेडेस्टल तो ये जमीन में ही होगा ना। चलिए अब यहां पे क्या होता है, सिंपल सा बात ये हम लोग के सामने में, चलिए इसके ऊपर में एक हम लोग क्या कर लेते हैं, पेडेस्टल को बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया पेडेस्टल, ठीक है, यहां तक हो गया ये हम लोग का पेडेस्टल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टेच्यू, ये कहां है, स्टेच्यू तो ये है, ठीक है, ये हम लोग का क्या स्टेच्यू है, यही ना स्टेच्यू है, तो यहां तक तो ये पेडेस्टल है, ठीक है। चलिए ये वाला नीचे वाला पोर्शन तो पेडेस्टल है और ऊपर वाला क्या है, ये स्टेच्यू है, तो स्टेच्यू का जो ऊपर वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल ये बनाता है। मतलब ये यहां से जो है, देखिएगा इस तरीके का ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल यहां से वो बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो कितना डिग्री का बना रहा है एंगल, वो 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत। एंड द सेम पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल, देखिए ये तो पेडेस्टल हुआ, तो पेडेस्टल का सबसे ऊंचा वाला पार्ट कौन वाला है, यहाँ पे होता है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे, ये लैंड पे कितना का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का, ये देखिए ये रहा एंगल, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री का। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना, चलिए नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नाम दे देते हैं। नाम पे क्या रखा है, कुछ काम ऐसा कर जाओ कि नाम बन जाएगा, तो ए बी सी डी यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि बीसी क्या है, एक है पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर में ए बी क्या है, एक स्टेच्यू है, और इस स्टेच्यू का हाइट कितना हो जाएगा, इस स्टेच्यू का हाइट हो जाएगा 1.6 मीटर, ओके। अब स्टेच्यू का टॉप से, ठीक है, एंगल बनता है 60 डिग्री, कहां पे, कहां पे, कहां पे, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल यानी कि पेडेस्टल का सबसे ऊंचा वाला पार्ट से पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एंगल बनता है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनता है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि बीसी का हाइट को हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं एच हाइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, नाम तो सब कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया हाइट ऑफ पेडेस्टल गिवन, ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल
हाइट ऑफ स्टेचू दे के रखा है ना, स्टेचू हाइट ऑफ स्टेचू कितना है, 1.6 मीटर, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल देखिए, थीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और थीटा टू इक्वल टू हो जाएगा यहां से 60 डिग्री। ठीक है, और ये फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, फाइंड, ये फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे पहला बात, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल हम लोग पहले देखिए, अगर ये वाला बीसी को हम लोग हाइट माने हैं तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना पहले, सीडी हम लोग को मालूम रहेगा तब तो ये वाला हम लोग पोर्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसमें काम करेंगे, बी सी डी में काम करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये फाइंड आउट हम लोग नहीं किया हुआ है, जब इसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बात को समझिएगा कि बीसी को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमको सीडी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, कोई दो में से कोई एक चीज हम लोग को गिवन रहेगा तभी जा करके सेकंड पार्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग बी सी डी में अभी क्या करेंगे, काम करेंगे, और सी डी को पहले हम लोग यहां से निकाल लेंगे कि सी डी का हाइट कितना है, सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ, चलिए हम लोग किसमें काम करेंगे, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल बी सी डी, बी सी डी एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है यहां तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस, तो पी बाई बी क्या होता है, 10 थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 थीटा। देखिए ये वाला थीटा कितना डिग्री का काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, देखिएगा ये वाला हो रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये होगा 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी बाई क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, तो 10 45 कितना होता है, 1 हो जाता है। बी सी को कितना माने हैं यहाँ पे, हाइट यानी कि एच मान दिए, सी डी क्या है यहां से, सी डी हम लोग को ये पता नहीं। ठीक है, सी डी इक्वल टू कितना हो जाता है, एच मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसमें आ जाएंगे, अब हम लोग आ जाएंगे इन ट्रेंगल, किसमें, ए डी सी में। ठीक है, इन ट्रेंगल ए सी, ठीक है, ए सी डी। तो देखिएगा ये तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया ना, अभी अब हम लोग को निकालते हैं ए सी इक्वल टू, आई बात समझ में। तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस है पी बाई बी, फिर से वही होता है ना, तो पी बाई बी क्या हो जाएगा, 10 10 थीटा। थीटा में कितना, देखिए ए डी सी पे आ रहा है ना, तो थीटा होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बी यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि ए सी, दैट मीन्स ए सी बाई बेस यानी कि सी डी। ठीक है, सी डी। चलिए तो यहां से 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये तो सबको पता है, √3 होता है ना, और ए सी, ए सी को हम लोग क्या से लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से ये सी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत, अब यहां से √3 इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू कितना है, 1.5, 1.6 प्लस यहां से हो जाएगा बी सी, बी सी कितना है यहां से, इसको निकाल लिए हम लोग एच, ये तो हम लोग मान के चले थे ना, और ये सी डी, सी डी कितना हो जाएगा, देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या निकाले हैं, सी डी को हम लोग यहाँ से निकाले हैं पहले ही, क्योंकि सी डी का जरूरत था, अगर यहाँ पे सी डी नहीं निकालेंगे तो हम लोग बी सी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी डी कितना है यहाँ से, ये हो जाएगा एच। ठीक है, यानी बी सी और सी डी दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए ये हो जाता है इधर से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि √3 H इक्वल टू 1.6 प्लस एच, आई बात समझ में, इसको लेकर आइए इधर, तो यहां से एच एच √3 H माइनस एच इक्वल टू 1.6, तो यहां से कितना निकलेगा, एच ये निकल जाता है √3 माइनस 1,
इक्वल टू 1.6, ये हाइट इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अच्छा रूट 3 माइनस 1 ही है ना, हाँ ठीक, रूट 3 माइनस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब यहां तक तो हम लोग आंसर निकल गया, अगर चाहे तो हम लोग इसी जगह पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना होगा, इस तरीके का रूट को नीचे में नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना होगा, रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये रूट 3 प्लस 1 से क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, और नीचे में भी रूट 3 प्लस 1 से यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो एक बात यहाँ देखने वाली बात ये हो जाता है हम लोग के सामने में, 1.6 ये कितना हो जाएगा, √3 + 1, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा a+b × a-b जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² यानी कि a² - b² तो ये कितना निकलेगा, 1.6 यहां से हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, और यहां से होगा √3² 3 और -1 कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हाइट फाइनली कितना निकल के आता है, ये इसको कैंसल आउट कीजिए, तो 0.8, ठीक है, √3 + 1, ये हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी ये जो देख रहे हैं ना, हाइट ऑफ ये पेडेस्टल, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 0.8, ठीक है, √3 + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां पे समझिएगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, देन हाइट ऑफ देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिंपल सा यहाँ पे बात है, क्वेश्चन को समझिएगा यहाँ पे बात। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है टावर, यहाँ पे एक है टावर, और यहाँ पे है एक हम लोग का बिल्डिंग। ठीक है, दोनों यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से मारा है, ये हो रहा है बिल्डिंग, ये हो रहा है बिल्डिंग, और ये हो रहा है टावर। ठीक, यहाँ से समझ आ गया। अब यहां पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात को समझिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये तो बिल्डिंग है ना, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये होगा फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये हो गया फुट किसका, टावर का। ठीक है, तो ये होगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का ये एंगल बना देगा, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई बात समझ में आता है, कोई दिक्कत, फिर से पढ़िए, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये हो गया टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट हो गया बिल्डिंग का, दोनों का यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहां पे बन रहा है 60 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इफ द टावर 50 मीटर हाई, यानी कि ये जो टावर है ना, हाँ ये जो टावर है हम लोग के सामने में, ये टावर है कितना है, 50 मीटर हाई है, देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का हाइट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ए बी सी और ये, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात को समझिए, हम लोग को जब बिल्डिंग का हाइट को निकालना पड़ेगा, यानी सीडी को जब निकालना पड़ेगा, तो सीडी ये बिल्डिंग का बेस चाहिए हम लोग, ये वाला चाहिए, यानी कि जब हम लोग डीबीसी त्रिभुज में ट्रेंगल में काम करेंगे, तो जब सीडी को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस समय हम लोग को बीसी को ऑलरेडी हम लोग को चाहिए चाहिए, तो क्या करेंगे, बीसी हम लोग पहले निकाल लेंगे, किसका हेल्प से,
एबी का हेल्प से, यानी कि ए सी बी ट्रायंगल में पहले काम करेंगे, और हम लोग का ए बी गिवेन है तो बी सी फाइंड आउट यहां से कर लेंगे, और जब हम लोग डी बी में काम करें तो बी सी तो फाइंड आउट हो चुका होगा, उस समय हम लोग का हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल के आ जाएगा। बात समझ में? चलिए यहां पे क्या क्या गिवन है वो देखिए। गिवन हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये हो जाएगा 50 मीटर, ये हो जाता है ए बी, ठीक है। यहां से थीटा वन 60 डिग्री, थीटा टू कितना 30 डिग्री, और क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू क्या है? सी डी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और बच्चों तक, स्टूडेंट तक, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग काम किस में करेंगे? फिर से हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि डीसी जब हम लोग हाइट निकालेंगे तो हम लोग को जरूरत होगा बीसी, तो बीसी को हम लोग किसका ट्रायंगल का हेल्प से निकाल लेंगे? ए बी सी का हेल्प से निकाल लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 थीटा, थीटा कितना डिग्री यहां से हो रहा है? ये 60 डिग्री हो रहा है। 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो रहा है? बी सी, सॉरी ए बी, ए बी बाई ये कौन हो जाएगा? बी सी, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 इक्वल टू ए बी, ए बी कितना है यहां से? 50 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाय बी सी, है ना। तो बी सी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? यहां से निकल के आएगा 50 बाय √3 इक्वेशन 1। ये तो निकल के आ गया हम लोग का बी सी, निकल के आ गया यहां से कितना निकल के आ गया? 50 बाय √3 निकल के आ गया। अब इसको निकालेंगे, सी डी को निकालेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। चलिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो बी बाई बी क्या होता है? 10 थीटा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 10 थीटा, 10 थीटा कितना हो गया यहाँ पे? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा सी डी बाई बी सी, ठीक है, बी सी। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय √3, ठीक है। और ये सी डी, सी डी कितना है? सी डी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट को सी डी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बी सी, बी सी यहां से कितना हो जाएगा? बी सी यहां से कितना हो जाएगा? 50 50 बाई √3, ठीक है। चलिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय √3 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, तो √3 सी डी इक्वल टू कितना? डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 50। देखिए √3 √3 3 होगा, तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? ये होगा 50 बाई 3, ठीक है। तो 16 32 16 48 48 मीन्स 2 बाई 3 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो यहां से हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना निकल के आ गया? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना निकल के आ गया? 16 मीन्स 2 बाई 3 मीटर, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल के आ जाता है। यहां तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे क्या बोलता है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच, स्टैंडिंग ऑपोजिट, जहां पे इंपॉर्टेंट है मार्कर दे रहे, स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है। एक रोड है
रोड का वाइड है, 80 मीटर का एक रोड है, और रोड का दोनों साइड में देखिए, रोड तो देखे होंगे ना, तो रोड का दोनों साइड में दो क्या है, पोल है, ठीक है, और रोड का टोटल लेंथ हो जाएगा 80 मीटर। देखिए यहाँ पे लेंथ दोनों पोल का इक्वल लेंथ है, ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल लेंथ का दो पोल को यहां से हम लोग बना लेते हैं। देखिए इक्वल लेंथ का पोल को यहां पे हम लोग बना लिए, ठीक है, और यहां से ये हो जाता है रोड, ठीक है, ये हो गया रोड, यहां पे समझ में आ गया, इसका नाम ले लेते हैं ए बी। अब यहां से होगा सी डी, कोई दिक्कत, नाम पे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहां तक हो गया। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि क्या होता है कि अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन ए रोड इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल 60 मीटर एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोलने का मतलब क्या हो गया कि एक पोल से अगर हम लोग रोड का यहाँ पे अगर एंगल यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बना लेता है कितना डिग्री का, ये बनाता है 60 डिग्री का, और दूसरा वाला अगर पोल से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो वो एंगल यहां पे कितना डिग्री का बना रहा है, ये बना रहा है यहां पे 30 डिग्री का। आई बात समझ में? देखिए एक रोड है, ठीक है, एक रोड है और दोनों तरफ क्या है, पोल का खंभा है। अगर आप यहाँ पे बीच में खड़े होंगे, बीच में खड़े नहीं कहीं पर भी, अगर इधर वाले पोल का खंभा को देखिएगा तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इधर वाले को देखिएगा तो वो 30 डिग्री का एंगल को बना रहा है। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो दोनों का पोल का हाइट को फाइंड आउट कीजिए, और ये जो आप खड़े हैं, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह से दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है उसको पता करना पड़ेगा। बस में नाम देते हैं ए बी सी डी और यहां पे नाम देते हैं एम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, और ये पोल सब तो 90 डिग्री पे खड़ा है, ये तो बोलने वाली बात है ही नहीं, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन का क्या है भाई, है ना, गिवन गिवन यहाँ पे हाइट ऑफ पोल, ठीक है, गिवन हाइट, हाइट ऑफ पोल दोनों इक्वल है ना, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ले लेते हैं एच, कोई दिक्कत। अब यहां से थीटा वन इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा टू इक्वल टू 30 डिग्री, एंड विड्थ ऑफ, है ना, रोड, रोड वाइड कितना हो जाएगा, रोड वाइड इक्वल टू 80 मीटर, और रोड कौन वाला है, यह है बीडी, यानी कि बीडी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ पोल निकालना होगा, और जिस जगह पे हम लोग खड़े होकर के देख रहे हैं वहां से दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है, यानी कि बीएम और एमडी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां से आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन में हम लोग जैसे ही आएंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का, अच्छा और एक चीज दिया हुआ ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी डी में काम करेंगे, ए बी एम में काम करेंगे, ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी एम, ए बी एम, ए बी एम, ठीक है, यहां से एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री कुछ काम नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेट खड़ा है, हम लोग का मेन थीटा का काम होगा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको निकालना है हम लोग को, ये निकालना होगा, बीएम को निकालना होगा, ये तो हाइट हम लोग को हाइट मान के चले हैं इसको, तो पी बाई बी क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन, हमको तो ये हाइपोटेन्यूज को कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो पी बाई बी क्या होगा, 10, ठीक है, ये हो जाता है 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी बाई बी एम, ठीक है, ए बी बाई बीएम, ठीक है, तो 10 60 डिग्री कितना होता है, 10 60 डिग्री हो जाता है √3, और यहां से हो जाएगा ए बी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा एच, और ये बीएम इक्वल टू हो जाता है बीएम, ये तो पता नहीं,
है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये होगा बी एम इक्वल टू एच बाई रूट थ्री इक्वेशन वन। कोई दिक्कत? अगेन अगेन हम लोग यहां पे काम करेंगे, अगेन अगेन, ठीक है। चलिए आप किस में काम करेंगे, हम लोग सी डी एम में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंगल सी डी एम, ठीक है। अभी क्या होगा, देखिए इसको फाइंड आउट करना है, ये हाइट दिया हुआ है, हाइट है ना, तो पी बाई बी, तो पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां से क्या होगा, टेन थीटा, थीटा में कितना है अभी, 30 डिग्री, इक्वल टू हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी, यानी कि हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर, यानी कि सी डी, सी डी बाई क्या होगा, डी एम, ठीक है। और यहां से टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन बाई रूट थ्री इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू एच, डी एम इक्वल टू नहीं पता, डी एम। अब इसको डी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एम इक्वल टू यहां से रूट थ्री एच, इक्वेशन दो मान देते हैं इसको। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, नाउ नाउ ये बीडी क्या है, रोड है, ठीक है, बी डी क्या है, रोड है ना, तो ये बीडी को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, बीएम प्लस डीएम, ठीक है। और ये बीडी टोटल जो लेंथ है, ये रोड का जो लेंथ है वो है 80 मीटर का, ठीक है, तो बी डी के जगह पे लिख दिए 80, और ये है बी एम, बी एम डब्ल्यू, यानी कि बी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा एच बाई रूट थ्री प्लस डी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा रूट थ्री एच, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा 80, देखिएगा यहां से डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, रूट थ्री और वन का एलसीएम, रूट थ्री कितना होगा, थ्री और एक फोर, यानी कि फोर एच होगा यहां से, ठीक है, ये चला जाएगा इधर, हम यहां पे बना रहे हैं इसको, ठीक है, तो फोर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 रूट थ्री, तो यहां से हाइट इक्वल टू कितना निकल गया, 20 रूट 3, यानी हाइट ऑफ द पोल कितना निकल गया, ये हो गया 20 रूट 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग को डिस्टेंस पर निकालना पड़ेगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू, वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन वन, वन में रखे, चलिए तो बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई रूट थ्री, तो यहां से आ जाता है हाइट, हाइट कितना निकला हम लोग का, 20 रूट 3 डिवाइड बाई कितना है, रूट थ्री, तो रूट थ्री कितना निकल गया, बी एम इक्वल टू कितना निकल गया, 20। जब बी एम इक्वल टू 20 निकला तो डी एम इक्वल टू कितना निकलेगा, डी एम इक्वल टू कितना निकलेगा, 60, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल है 80, तो 20 माइनस कर दिया 80 में, तो 60 निकल गया क्या, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कलर पेन से लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे हम इसको लिख देते हैं हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू कितना हो गया, पोल का हाइट, पोल का हाइट हो गया 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पोल्स, ठीक है, डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल्स, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट पॉइंट कहां से, रोमदीप पोल्स आर कितना कितना हो जाएगा, आर ये होगा 20 मीटर एंड 60 मीटर, ठीक है, या तो कोई दिक्कत। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हम लोग, आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है,
अगर सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर इसी टाइप से आप लोग को वीडियो चाहिए और सीरीज बाय सीरीज वीडियो चाहिए, ठीक है, तो एक क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री को भी पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, ठीक है। और अभी चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए, अंत तक सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।